अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। और कल पाकिस्तान और कनाडा का मैच हुआ है, पाकिस्तान की टीम ने कनाडा को हरा दिया। आप लोग शायद हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, कनाडा कोई टीम है? यार मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर कनाडा का वो जो तीसरा जो रन आउट हुआ है, आप गौर करना, जब दो आउट हुए हैं तो एक बैट्समैन आया था, दो आउट हुए, ये एक आउट हुआ तो एक बैट्समैन आया था, वो खब्बा था। अगर वो रन आउट ना होता तो कनाडा लाजमी 140 करता कम अज़ कम। 140 के बाद फिर जब पाकिस्तान की बारी आती तो उनकी बैटिंग तो आपने देखी है, उनकी बैटिंग के तो हालात आपने देखे होंगे, क्या हालात। तो पाकिस्तान ये मैच फिर हार जाता। तो कोई भी टीम वर्ल्ड कप में जो 20 टीमें खेल रही हैं, एक सवाई युगंडा के, कोई भी टीम आसान नहीं है। युगंडा वाले को इतने अच्छे नहीं है, बाकी नहीं, और आते एक और टीम ना कह रहा है और उन आए कि ने ऊपर 45 थे कि 45 थे, सारी टीम बक हो गई 39 जो 39 थे सारी टीम, कोई युगंडा है, कोई युगंडा 39 थे, 5 खिलाड़ी 0 थे, 39 थे 039 है। अच्छा, पहले ओवर में 5 खिलाड़ी 0 पे आउट हो गए, एक ओवर 5 आउट 0 स्कोर। आप जाके देख लो युगंडा वा मुकाबला वेस्ट इंडीज हाइलाइट्स देख लें, पहले ओवर में 5 आउट हुए 0 रन पे, क्या कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम अच्छी है, उन्होंने हरा दिया है कनाडा को। अभी पाकिस्तान के चांसेस हैं, अगर इंडिया अपने दोनों मैच हार जाए या अमरीका अपने दोनों मैच हार जाए, और ये बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल विकेट्स हैं भाई, यहाँ पे बॉल पड़ता कहीं है जाता कहीं है।